दो मुजरिमों को अरेस्ट किया, आकाश खासा और नितेश सिंधी। एनडीआर की टीम है, इंस्पेक्टर रामपाल, एसीपी महेश भगवान और डीसीपी अमित गोयल के सुपरविजन। आपको ध्यान होगा 3 दिसंबर को पंजाबी बाग में गोलियां चली थी। एक बहुत बड़ा व्यापारी है लिकर के, जिनका पंजाब में बहुत बड़ा काम है शराब का, और पहले शिरोमणि अकाली दल के एमएलए भी रहे हैं। तो उनके घर पे करीब 5-6 गोलियां चली थी गेट के ऊपर उनको डराने के लिए। तो केस बिल्कुल ही क्लूलेस था, क्योंकि लड़के ये जो अब आप देख रहे हो हरियाणा के लड़के हैं, वहाँ के आसपास का कोई लड़का भी नहीं था। इस टीम ने काफ़ी मेहनत से दोनों तरह से काम किया, टेक्निकल एनालिसिस भी किया और मैनुअल इनपुट्स भी लाए। इसमें बेसिक जो पहले से आपको बताया गया है, कॉर्पोरेट स्टाइल में लोग गैंगस्टर्स काम कर रहे हैं, नए नए लड़कों को ये ढूंढते हैं, हरियाणा के लड़के हैं, राजस्थान के लड़के हैं, और उनको प्रॉमिस कर देते हैं कि तुमको गैंग में शामिल कर लेंगे और तुम्हारे को अच्छा हो जाएगा। अभी इनको कुछ भी पेमेंट नहीं आता इन दोनों लड़कों को, जो आकाश है मडगांव सोनीपत का और नितेश सिंधी है दीकरा चरखी दादरी हरियाणा का। आकाश की उम्र 23 साल है, नितेश सिंधी की उम्र 19 साल। आकाश बी ए सेकेंड ईयर से ड्रॉप आउट हो गया 5 साल पहले, उसके बाद 3-4 केस में इन्वॉल्व हो गया, जेल में रहा वहाँ पे सोनीपत में, और फिर इस गैंग से जुड़ गया। नितेश सिंधी 12वीं में ही ड्रॉप आउट हो गया और इसको अपने गांव में कुछ इशू सेटल करने थे किसी और के साथ, तो उस चक्कर में इसने गैंग को ज्वाइन किया। अब कहानी वही आती है कि सब जगह जो ऐप्स हैं वो इन्वॉल्व है, इंस्टाग्राम और ये जो सारे ऐप्स के थ्रू कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट चली जाती है या किसी को फॉलो करने स्टार्ट कर देते हैं। इनको ये क्रेज़ है कि हम गैंग के मेंबर बन जाएंगे। वो कहते हैं पहले आप अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए 2-3 काम बताओ, करके दिखाओ। अब इस केस में भी इनको नहीं पता कहाँ पे गोली चल रही है, वो आदमी का प्रोफाइल क्या है, उससे कितना इन्होंने एक्सटॉर्शन मांगा हुआ है, कितने पैसे की डिमांड है, इनको कुछ नहीं पता। सब दूर है ना, दे आर मेयरली फुट सोल्जर्स कि तुमको ये एड्रेस दे दिया, ये लोकेशन दे दी, तुमको जाके गोली चला। उससे पहले लॉजिस्टिक्स के लिए भी इनको ये नहीं पता कि मोटरसाइकिल किसने अरेंज की है, दोनों पिस्टल किसने अरेंज किए। इनको वारदात से पहले बोला गया कि भाई आप सोनीपत गोहाना रोड या मूर्थल गोहाना रोड पे चले जाओ, इतने माइलस्टोन के पास ये जगह होगी, पेड़ होगा, पत्थर होगा, ये उसकी फोटोग्राफ है, वहाँ पे पिस्टल होगी, वो उठा के ले आ रहा हूँ, इतने राउंड होगा। इसी प्रकार जिस दिन ये वारदात करने आए 3 दिसंबर को मादीपुर मेट्रो स्टेशन से उतरोगे, वहाँ पे ये वाली मोटरसाइकिल है, इसकी फ़ोटो भेज रहे हैं, इस मोटरसाइकिल को आप उठा लेना, वहीं पे चाबी पास में रखी हुई है, छुपा के उस चाबी को स्टार्ट करके उस जगह पर चले जाए। एहतियात के तौर पे इतने लेयर्स ये यूज़ कर रहे हैं कि वहाँ जाने से पहले फिर ऑटो करोगे, ऑटो से फिर बीच में चेंज करोगे, वापसी में भी वारदात के बाद 500 मीटर के बाद ऑटो को छोड़ोगे, फिर दूसरा ऑटो करोगे, फिर तीसरा ऑटो करोगे, फिर बस करोगे, फिर मेट्रो करोगे, ताकि पुलिस भी जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालती परेशान हो जाए, लेकिन कोई सुराग नहीं। इसीलिए मैं कहूँगा कि बहुत ही काबिल तारीफ ये है जो टीम ने भी काम किया है, कि बिल्कुल क्लूलेस था। इनिशियली हमें वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम के साथ मिलकर काम किया था, सीसीटीवी फुटेज वगैरह उनके साथ देखे थे, उसके लिए डीसीपी चित्र और डीसीपी अमित ने काफ़ी कोऑर्डिनेशन से काम किया था। लेकिन फिर वो आगे जाके डेड एंड आ जाते हैं कि क्योंकि ये इतनी बार बदलते हैं अपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को कि आगे जाने में मुश्किल हो जाती है। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये दोनों तो है खुद सोल्जर, अब हम आगे लेयर्स पे काम कर रहे हैं। आगे जो इंटरनेशनल लिंक्स हैं वो गोल्डी ब्रार ऑरेंज बिटकॉइन, और उनके जो मीडियम लेवल के लिंक्स हैं वो दिल्ली में जो गोगी वाले गैंग है और बॉक्सर वाला गैंग है वो लोग। अब इनके पास दोनों के पास एक ही आदमी फ़ोन कर रहा है, अलग अलग इंस्टा आईडी, अलग अलग अपने नाम से, किसी को कह रहा है कि मैं राधे कृष्ण बोल रहा हूँ, कहीं पर कुछ बोल रहा है, और इन दोनों को मिलवाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं। वारदात से महज
दो चार पाँच सात दिन पहले इनको मिलवाया गया, फिर ये एक जगह इनको ठहराया गया। उसके बाद जैसा बताया लॉजिस्टिक्स अलग अलग जगह से अरेंज कराया गया, तो बहुत ही प्रोफेशनली प्लान्ड मैनर से किया जा रहा है। और इनका जो इतिहास है, जिनके ऊपर गोली चलाई है, पंजाब में इनको ऑलरेडी इस गैंग ने टारगेट किया हुआ था। इनके जो लेकर के एस्टेब्लिशमेंट है जो वो जला भी चुके थे, और अब इनको ये लग रहा था कि ये दिल्ली में रह रहे हैं तो सेफ है, वो मैसेज भेजने के लिए इन्होंने कहा, क्योंकि पंजाब वाले केसेस में शायद अभी वर्कआउट नहीं हुए थे कि पंजाब में कौन है। तो ये आकाश कस्सा जो है, इसके ऊपर चार क्रिमिनल केस है, और पहले इसके ऊपर 307 का भी एक केस है अपने गाँव का। उसके बाद पिछले 5 साल से ये कोई काम नहीं कर रहा, इसको पैसे की सख्त ज़रूरत थी। इसको ये कहा गया कि तू ये काम करेगा तो तेरी जो फाइनेंशियल हालत, इसके बच्चे भी हैं दो, उन सब का परवरिश वगैरह हो उसको आसानी होगी। और नितेश शिंटी जो है, इसका जो मैंने बताया गांव में राइवल भी है, ये केवल कि तू पहले हमारे कहने पे गोली चला के आ जा, उसके बाद हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। आज तक इन दोनों को एक भी पैसा, जो इनका वर्जन है, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला कि तेरा ध्यान रखेंगे, वो है। बाकी इसमें हमारा प्रयास ये रहेगा आगे कि जो भी फाइनेंशियल लिंक्स हैं, जो आगे लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हैं, उन सबको हम ट्रेस करेंगे। और इस टीम में पीछे भी इन्होंने पीछे बहुत अच्छे काम किए थे, पीछे आपको ध्यान होगा इनके जिस तरह जो भी दिल्ली में 2-3 केस हुए थे लास्ट ईयर और इस ईयर, वो सब इस टीम ने सॉल्व किए हैं। तो इससे हम एक ये मैसेज जरूर भेजना चाह रहे हैं कि दिल्ली में ये नहीं चल रहे, तो ये सोच रहे कि दिल्ली में गोली चला के हो निकल लेगा, पकड़ा नहीं जाएगा, केस नहीं होगा, वो दिल्ली पुलिस उसको हरगिज नहीं छोड़ेगी। अभी इस केस को भी हमने 72 आवर्स में ट्रैक किया है, और बिना किसी क्लू के, बिना किसी एविडेंस के, और अब केस को हमने ट्रांसफ़र करा लिया है वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से कन्याबाग से। इसमें आगे जो भी लिंकेज बनेंगे उसको सबको हम कैशलेस करेंगे। इतने इंट्रोगेशन में बहुत चीज़ें क्लियर नहीं है, जो अगली लिंक आएगी उससे क्लैरिटी आएगी। सर इसके अंदर क्या वो भी टारगेट क्या था? देखो, जो गैंगस्टर होता है उसको तो पैसे से मतलब, अब वो डराने के लिए बाप हो बेटा हो किसको डरा सकता है, घर वालों को यूज़ करने की कोशिश होती है। तो टारगेट ऐसा नहीं कि वो है या ये है, टारगेट तो पैसा है। ये जो पंजाब में एक्सटॉर्शन चल रहा है, इनको लगता है कि दिल्ली में भी करेंगे, वो दिल्ली में हम इसको इस पर अंकुश लगाना चाह रहे हैं, दिल्ली में हम ये सब चीज़ नहीं करेंगे। पंजाबी बाग के अंदर और भी खराब माफिया रह रहे हैं, और पिछले कुछ महीने से इधर पंजाबी बाग के अंदर ही गोल्डी बराज और लारा और मंडी के नाम से 6-7 किस तरीके से इंस्पेक्ट होती है। देखिए, जिस केस में कंप्लेंट आती है, FIR दर्ज होती है, उस पर तो हम काम करके उसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, इस टीम में कई लड़कों को आउट ऑफ द प्रमोशन इसी बात का मिला है कि उन्होंने बहुत बेहतरीन बात की। तो जो भी केस दर्ज हो रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं। अब अगर आप ये अलग इनपुट्स हैं कि भाई वो पेमेंट हो रहा है या डर रहे हैं, उनको बोलिए आके हमसे मिले और हम आगे उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। जैसे इस सही तमाम मामला जब आप बताते हैं कि ये एक्सटॉर्शन से जुड़ा होता है, तो क्या व्यापारी के पास पहले इनकी तरफ से कोई कॉल जाता है या किस तरह से कोई धमकी जाती है? डेफिनेटली उनका प्रयास ये रहता है कि पहले आसानी से मिल जाए। जब उनको लगता है कि उसके कोई प्रतिक्रिया नहीं रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो फिर इस तरह की गोली चलाना शुरू करते हैं कि भाई इसके अंजाम खराब होंगे या उसको। बाकी इनमें दम कोई नहीं है, ये केवल साइकोलॉजिकल नॉइज है, गोली चलाई वो डर जाए। अब हर आदमी को जान तो प्यारी है, वो साइकोलॉजिकल प्लॉय है। अगर सब लोग मिलके हम काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा दिन चलेगा। सर कितने पैसे देने की बात हुई थी इन दोनों? ये हमने विक्टिम से भी कोई बात नहीं, इन दोनों से ये तो हुई, तो मैं कह रहा हूँ कि इनसे कोई पैसे की बात ही नहीं हुई। तुम गैंग ज्वाइन करो, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हें तुम्हारे परिवार का देखभाल कर लेंगे। अभी इनको एक पैसा भी नहीं मिला आज। राजस्थान में उस पर वो तो आइडेंटिफाइड है लोग, तो
सर विक्टिम घर पे था क्या उस टाइम पे? पूरे इंडिया की पुलिस ही काम कर रही है, होगा तो देखो। सलमान के एसआईटी चीफ के पास है कि दिल्ली पुलिस एसआईटी चीफ हमारे अच्छे मित्र हैं।